झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत में रुई के दाम बढ़ने से कॉटन यान के रेट बढ़ गए हैं। कॉटन यान के दाम बढ़ने के चलते पानीपत से टेक्सटाइल उत्पादों के निर्यात में 60% तक की गिरावट आई है। पानीपत से दुनिया के अधिकांश देशों को कॉटन यान से बने टेक्सटाइल उत्पादों का एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं पानीपत से जरूरी ऑर्डर के ही टेक्सटाइल उत्पादों का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। पानीपत एक्सपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन ललित गोयल ने बताया कि रुई यान कपास के दामों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी आई है। पहली बार रुई का दाम 330 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचा है। रुई महंगी होने से कॉटन यान महंगा हो गया है। कॉटन यान के दाम तेज होने से टेक्सटाइल निर्यात प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि जितना टेक्सटाइल उत्पाद विदेशों को निर्यात किया जाता है उसका 65% तक कॉटन यान से ही तैयार किया जाता है। वहीं अमेरिका कॉटन यान से बने उत्पादों का सबसे बड़ा ग्राहक है। वहीं यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया के अधिकांश देशों, वहीं खाड़ी देशों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी कॉटन यान से बने उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विदेशों में बहुत ज़रूरी ऑर्डर का ही माल तैयार कर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। वहीं जब तक रुई के दाम कम नहीं होने के एक्सपोर्ट इससे प्रभावित ही रहेगा। वहीं उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही रुई के रेट गिरेंगे और कॉटन यान सस्ता हो जाएगा। इसके बाद एक्सपोर्ट ढेर हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर पानीपत कॉरपोरेटिव निर्माता एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि सरकार ने पहले रुई के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद अप्रैल में विदेश से कपास मंगवाने के लिए आयात ड्यूटी हटा दी। इसका फायदा भी निर्यातकों को नहीं मिला। यान के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं पानीपत इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रीतम सचदेवा ने बताया कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कॉटन यान के रेट बढ़े हैं। ऐसे हालात में विदेशों से भी कॉटन यान का इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता। इधर बता दें कि यंग एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के चेयरमैन ने बताया कि टेक्सटाइल निर्यात कम होने के मुख्य कारण कॉटन यान के भाव बढ़ना है, वहीं कंटेनर के भाव दोबारा बढ़ना है। और साथ ही उन्होंने बताया कि 2 साल पहले अमेरिका के लिए कंटेनर का भाड़ा $2,500 था, जो अब बढ़कर $16,000 पर पहुंच चुका है। वहीं पानीपत टेक्सटाइल उत्पादकों की विश्व स्तर पर डिमांड कम है। डिमांड कम होने का कारण आयात करने वाले देशों के निजी मसले हैं। वहीं एक्सपोर्टर सुरेश मित्तल ने बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर भी टेक्सटाइल उत्पादों के एक्सपोर्ट पर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अब अलग अलग काम के लिए